वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेसर, जिसे कि हम सीपीयू को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सीपीयू को ही हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं और प्रोसेसर भी कहते हैं। और सीपीयू की हमने काफी फंक्शनैलिटीज भी देखी थी, जिसमें हमारे पास वो डिफरेंट कंपोनेंट्स की बेस पे क्या क्या फीचर्स जो हैं, क्या क्या फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, ये सब हम प्रीवियस देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास सीपीयू की प्रोसेसर की कौन कौन सी टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंगल कोर सीपीयू, जिसको आप सिंगल कोर प्रोसेसर भी कहते हैं। ये हमारे पास जो बहुत पुराने कंप्यूटर्स होते थे उनमें यूज होता था, एग्जीक्यूट ओनली वन कमांड एट अ टाइम। ये आपकी जो एक कमांड होती थी, मीन के अगर आप जैसे एक टाइम पे म्यूजिक सुन रहे हैं और एक टाइम पे आप गेम्स जो है वो चलाना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ एक जो इसमें फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म कर पाते थे। नॉट इफिशियंट फॉर मल्टीटास्किंग, ये मल्टीटास्किंग परफॉर्म नहीं करता था। और इसमें फीफो जो रूल है हमारे पास, जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो है रूल फॉलो किया जाता है, मीन जो इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के पास पहले पहुंचेगी वो उसी को प्रोसीड करता था, और जो दूसरी आपकी रिक्वेस्ट होती थी, जो दूसरी इंस्ट्रक्शन होती थी, उसको वो वेटिंग लिस्ट में रखता था। अनटिल अनलेस आपकी जो पहले वाली जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाती थी, तब आपकी जो दूसरी जो इंस्ट्रक्शन होती थी उसको प्रोसीड किया जाता था। और इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही पुअर थी, मीन इतनी गुड परफॉर्मेंस नहीं थी। देन हमारे पास आता है ड्यूल कोर प्रोसेसर। ड्यूल कोर प्रोसेसर, टू प्रोसेसर आर लिंक टुगेदर इनटू अ सिंगल आईसी। इसमें दो जो हमारे पास कोर प्रोसेसर होते थे उनको सिंगल चिप के ऊपर कंबाइन किया गया था। उसके अलावा हमारे पास जो आप कह सकते हैं कंपेटेबल टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस को की, इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बेहतर थी एज कम्पेयर टू सिंगल कोर प्रोसेसर। मल्टीटास्किंग इसमें इनेबल हो चुकी थी, एक टाइम पे एक से ज्यादा जो टास्क हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्रोसीड किया जा रहा था इसमें। देन परफॉर्मेंस इज बेटर देन सिंगल कोर प्रोसेसर। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सिंगल कोर प्रोसेसर से बेहतर थी, बट इतनी अच्छी नहीं थी। देन हमारे पास आ जाते हैं क्वाड कोर प्रोसेसर। क्वाड कोर प्रोसेसर में हमारे पास, जैसे कि हमने सिंगल कोर में देखा कि हमारे पास एक कोर प्रोसेसर जो था वो यूज हो रहा था, ड्यूल में हमारे पास दो कोर यूज हो रहे थे, और हमारे पास अब जो क्वाड कोर प्रोसेसर है इसमें हमारे पास फोर जो हमारे पास कोर प्रोसेसर हैं इनको कंबाइन किया गया है। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत हाई है। इसके अलावा इट कैन एग्जीक्यूट मैसिव इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम विदाउट वेटिंग। ये आपकी मल्टीपल जो आप इसको कह सकते हैं, जैसे कि आप सबसे लास्ट पे ये देख रहे हैं, इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग का जो लिखा हुआ है वो बेसिकली यही है कि हमारे पास इसमें मल्टीपल जो टास्क हैं वो एट अ टाइम इन पैरेलल जो है चल सकती हैं और एग्जीक्यूट कर सकती हैं इन अ इफिशियंट वे। देन हमारे पास आ जाता है हेक्साकोर प्रोसेसर। हेक्साकोर प्रोसेसर, कोर प्रोसेसर विद सिक्स कोर्स। इसमें आपके पास सिक्स कोर्स होते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास है मल्टी कोर प्रोसेसर है ये, और इसके अलावा परफॉर्म फास्टर देन क्वाड ड्यूल एंड सिंगल कोर प्रोसेसर। इसकी परफॉर्मेंस इन तीनों जो हमने प्रीवियस पढ़े हैं प्रोसेसर इनसे तेज होती है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ऑक्टा, जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है कि इसमें आपके पास जो 8 इंडिपेंडेंट कोर्स हैं वो यूज किए गए हैं, मोर रैपिड देन क्वाड हेक्सा एंड जो सिंगल कोर प्रोसेसर एंड ड्यूल कोर प्रोसेसर है, इन सब से इसकी जो इफिशियंसी है, परफॉर्मेंस है, वो सब क्या है, बेहतर है और बहुत अच्छी है। देन बेटर एबिलिटी टू परफॉर्म मल्टीटास्किंग, और इसमें मल्टीटास्किंग जो है वो बहुत हद तक बेहतर तरीके से परफॉर्म की गई है। ये हमारे पास थे कुछ टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।